So welcome in this Cloud Kitchen Finisher special session. और congratulations सबसे पहले तो. Thank you so much sir. Thank you. Okay and so अपने बारे में थोड़ा सा short में बताइए please. कहाँ से हैं, क्या background है और pizzeria ही क्यों? Okay. The thing is background मेरा ये है कि मैं hotel background से ही था. मैंने HM किया था around in 2001. कुछ साल मैं इंडस्ट्री में रहा लेकिन ड्यू टू सम रीजन मुझे इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी. लेकिन कुछ साल के बाद मुझे दोबारा आया क्योंकि मुझे लगा कि ये इंडस्ट्री ही बेस्ट है, तो इसलिए मैं इंडस्ट्री में दोबारा आया. और तब मैं आया, मैंने जब स्टार्ट किया अपना दोबारा बिजनेस, तो मैंने एक पिज्जेरिया का मैंने केटरिंग बिजनेस शुरू किया. तो केटरिंग बिजनेस में मैंने पिज्जा चूज किया जो कि अच्छा चल रहा था. लेकिन अभी रिसेंटली आपको पता है सिचुएशन ऐसी थी, लॉकडाउन की सिचुएशन थी जिसमें केटरिंग बिजनेस को आगे स्कोप नजर नहीं आ रहा था. तो दो महीने खाली बैठने के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए. तो उसके बारे में सोचते सोचते आपकी वीडियोस को देखते हुए मैंने आगे जाके इम्प्लीमेंट करा, देखा कि क्लाउड किचन भी कोई एक चीज होती है, मुझे नहीं पता था इससे पहले. और आपकी वीडियोस से मुझे काफी इंस्पिरेशन मिला जिसके जरिए मैंने आपको कॉन्टेक्ट करा. और आपको कॉन्टेक्ट करने के बाद मुझ में एक कॉन्फिडेंस आया. एक कॉन्फिडेंस आने के बाद मुझे ये लगा कि हाँ, ये लॉकडाउन सिर्फ एक बहाना है लेकिन यही असली टाइम है हमें बिजनेस करने का. और इसमें हम अच्छा इनकम भी अर्न कर सकते हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक नई लाइफ क्रिएट कर सकते हैं. तो इसीलिए मैंने ये इसी पिज्जा के बिजनेस को आगे लाइव जाने का, अपना क्लाउड किचन के जरिए जाने का सोचा मैंने. जी, सो आप सबने सुना रोहित जी की जर्नी. अगेन रोहित जी का ऑलरेडी बैकग्राउंड था जिसने उनकी हेल्प की, लेकिन डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सारी नॉलेज थी पहले से जो रोहित जी को थी, लेकिन स्टिल वो एक्शन ले पाना, वो स्टार्ट करना, उसमें पूरा क्रेडिट आपको जाता है रोहित जी. ऑलराइट, सो मैं चाहता था कि जो लोग एक्चुअली एक्शन ले रहे हैं, जो कोर्सेस करके इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उनको हम एक तरह से ये एक स्टार्टअप भी दें, एक बूस्ट भी दें. ये जो पॉजिटिविटी आपको दिख रही है फ्लो हो रही है, आई एम श्योर बहुत सारे लोग हमें दिल्ली से भी देख रहे हैं, कुछ बिजनेस भी हो. ऑलराइट, सो अपने ब्रांड के कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे. पिज्जेरिया के आज सेशन पिज्जेरिया के बारे में, ना आपका ना मेरा, इट्स ऑल अबाउट पिज्जेरिया. जी, द पिज्जेरिया जो है, पिज्जेरिया एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है क्योंकि मैं केटरिंग बिजनेस में था. तो मैं वहां पर मैं देखता था कि मैं एक वुड फायर पिज्जा का केटरिंग करता था, तो वहां पे देखता था कि काफी ट्रेडिशनल वे में पिज्जा को सर्व किया जाता है. मुझे ये लगा कि ये रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर ये कंसेप्ट दिल्ली में, इनफैक्ट इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है जितना बाहर होगा. जी. तो यही सोच के मैंने सोचा कि क्यों ना कि इसको क्लाउड किचन के माध्यम से इसको लाया जाए. और वुड फायर नहीं तो एटलीस्ट, क्योंकि दिल्ली के अंदर वुड फायर अलाउ नहीं है ड्यू टू सम गवर्नमेंट रीजन, तो उसकी वजह से मैंने सोचा क्यों ना इसका ही पार्ट हम लोग इसको स्टोन बेस किया जाए, जो कि एक ट्रेडिशनल वे में हम लोग स्टोन पे पिज्जा के कुक करें और एक अच्छा टेस्ट इसमें डेवलप करके लोगों को यूनिक टेस्ट दें, जिसको मैंने स्टार्ट किया और आई एम गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स. Beautiful. Alright, so देखिए बहुत सारे लोगों से जब हमारी बात होती तो मोस्टली लोग कहते हैं सर करना तो हम भी चाहते थे लेकिन हमारी सिचुएशन अलग है. okay, ये चीज ऐसे सुनने को मिलती है. एंड आई एम श्योर ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जिसकी सिचुएशन अलग ना हो. आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा और मैं चाहता हूँ कि जो नए लोग हैं वो भी कुछ इंस्पिरेशन ले सके. सो कोई चैलेंज ऐसा आया जब आपको दिक्कत आई हो जिसकी वजह से आप स्टार्ट करने में तकलीफ आ रही हो और फिर उसको पार करके आपने स्टार्ट किया हो, कोई भी एक चैलेंज जो आपके लिए बड़ा चैलेंज रहा हो? सर, मैंने जब आपका कोर्स स्टार्ट किया था तो मुझे आगे बिल्कुल अभी ब्लैंक नजर आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे कोर्स के सेशन हमारे आगे बढ़े तो उसमें मुझे नॉलेज तो मैंने मिली, उस नॉलेज को मैं गैदर करता गया. लॉकडाउन की वजह से इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी दिक्कत आई थी मुझे, मीन्स जैसे कि जो प्रिंटेबल थे, जो बॉक्सेस वगैरह प्रिंट करने थे, तो वो लॉकडाउन की वजह से मुझे ब्लॉक करके रखना है. लेकिन मैं अंदर से पूरा भरा बैठा कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मुझे वो चीज स्टार्ट करनी है और उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना है. तो मैंने नोट्स बहुत सारे बना रखे थे, उन नोट्स को मैंने धीरे धीरे करके लॉकडाउन के बाद इम्प्लीमेंट किया और जैसे ही मेरे इम्प्लीमेंट हुआ मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया. Beautiful. तो आपका बात सही है, आपकी बात सही है कि ये सिर्फ बहाना था एक लॉकडाउन का, लेकिन एक्चुअल बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिली आपसे, काफी कुछ सीखने को मिला जिसको मार्केट में मैं इम्प्लीमेंट कर पाया. ओके, और आपने मेंशन किया कोर्स के बारे में, सो मैं समझना चाह रहा था ये कितना टाइम फ्रेम लगा इसको सीखना आपने? लगभग आई थिंक मई स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट. जी सर, मैं सेकंड बैच में था. हाँ जी,
तैयारी पूरी थी लॉकडाउन खोलते ही आप चालू हो गए, क्या ड्यूरेशन थी आपकी इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में? मुझे सर ड्यूरेशन की बात कहेंगे तो मुझे एग्जैक्टली 1 month का टाइम लगा, मतलब अप्रोक्सीमेट 1.5 months लगे पूरा इम्प्लीमेंट करने में. और पूरा कोर्स जो था मतलब 1 month का, आपने 5 sessions मुझे प्रॉमिस किए तो वो पूरे 5 sessions मैंने लिए और उसको कंप्लीट होते ही लॉकडाउन खोलते ही मैंने उसको इम्प्लीमेंट करा. तो अप्रोक्सीमेट मुझे 1.5 महीना लगा इसको इम्प्लीमेंट करके पूरा इसको स्टार्ट करने में. जी ब्यूटीफुल. एंड एक लर्निंग जो आपके लिए बेस्ट रही, लाइक आपके लिए माइंड ओपनर रही इस पूरी जो भी हमारी कन्वर्सेशन हुई, जो भी हमारी ड्यूरेशन थी, उसमें एक चीज जिसने आपका गेम चेंज किया, एनीथिंग? सर एक जो मैं आपके वर्ड्स जो थे वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा और इनफैक्ट वो मैंने अपने खुद अपने दिल पे भी लिखे हुए हैं, वो ये चीज ये है कि हम खाना बेच के नहीं अमीर बन सकते, हम लोग ब्रांड बेच के बन सकते हैं. इसी कंसेप्ट को मैं दिमाग में लेके चल रहा हूँ, इसी कंसेप्ट को मैं आगे लेके चल रहा हूँ. अपना मैंने आज पिजेरिया स्टार्ट करा है, आने वाले समय में मैं इसमें और भी ब्रांड्स को स्टार्ट करना चाहता हूँ अपनी ही क्लाउड किचन से. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. अच्छा कम्युनिटी का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका अभी तक, जो कम्युनिटी जिसमें आप जुड़े हुए हैं, इंडिया भर से 150 से ज्यादा ब्रांड है, कैसा एक्सपीरियंस, थोड़ा शब्दों में अगर कुछ निकाल पाए? जी सर शब्दों में बयान करना मुश्किल है. क्यों? क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटीज में जुड़ा हूँ, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप्स में जुड़ा हूँ, लेकिन ये ग्रुप एक ऐसा ग्रुप मिला है आपके नियम के हिसाब से चल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड थिंग ये जो है ये ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सब इतने कोऑपरेटिव और इतने अच्छे हैं कि वो टाइम टू टाइम, आप तो गाइड करते ही करते हैं लेकिन टाइम टू टाइम उनकी गाइडेंस जो है वो बहुत वैल्यूबल है. वो हर मतलब मैं बोलूंगा कि 10 लोगों की अगर राय अगर एक जैसी मैच कर दिए तो कहीं ना कहीं हमारे हमें फायदा ही देगी वो चीज. तो वो जो सभी एक ही थिंकिंग के लोग मुझे एक ही ग्रुप में मिल गए हैं, एक ही कम्युनिटी में मिल गए हैं, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती. तो ये कम्युनिटी मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी है जो अब तक मैंने जितने ज्वाइन करी है सब में. वहां पे दूसरे ग्रुप्स में लेग पुलिंग होती है लेकिन यहाँ पे सिर्फ काम की बातें होती हैं. सो हैट्स ऑफ टू ऑल दी मास्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं क्लाउड किचन मास्टरमाइंड में. सो एक एडवाइस जो आप नए लोगों को देना चाहेंगे जो अभी भी इसको देख के सोच रहे हैं कि कहीं पैसे तो नहीं दिए आपको बोलने के लिए? जी देखिए सर मैं एडवाइस यही देना चाहूंगा कि मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं बोलने के लिए, लेकिन ये जो कुछ बोल रहा हूँ मैं यहाँ से दिल से बोल रहा हूँ मैं. और ये जो कोर्स है ये डेफिनेटली एक लाइफ चेंजिंग कोर्स है जो इस इंडस्ट्री में है, जो इस इंडस्ट्री से नहीं भी है. ये कोर्स और ये कम्युनिटी जो है, जो आपकी बनाई हुई कम्युनिटी है, ये हर किसी को लिए बेनिफिशियल है क्योंकि हमारी कम्युनिटी के अंदर हर इंसान जुड़ा हुआ है चाहे वो इस इंडस्ट्री से है या नहीं है और सबको हर कोई ग्रो कर सकता है क्योंकि हम सब जो चल रहे हैं एक ही मिशन को लेकर चल रहे हैं और एक ही मिशन को देख के अपना विजन को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या मैसेज दिया आपने. और खैर वो तो खैर मैंने बात मजाक में कही थी लेकिन कुछ लोग स्टिल वो कहते हैं ना परमिशन खुद को नहीं दे पाते हैं शुरू करने से पहले, कुछ ना कुछ तो अटक रहा होता है कि देखो समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए लेकिन फिर भी मैं शुरू कैसे करूं. वहां पे वो जो अटकन है शायद आपकी भी लाइफ में रही होगी, तो जो लोग अटके हुए हैं अभी भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे उनके लिए कोई मैसेज कि कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं, क्या उनको कमी है जिसकी वजह से वो मे बी ये सब सोच रहे हैं, किस चीज की उनको जरूरत है? सबसे पहले तो अपना सबसे आपके ट्रेनिंग के जरिए जैसे मैं पता चला है कि सबसे पहले तो माइंड मेकअप करने की जरूरत है. हम लोगों को माइंड मेकअप करना होगा, एक्शन लेना होगा, हमने एक्शन लेंगे तो रिजल्ट भी डेफिनेटली मिलेंगे. आपने एक हमें लर्निंग बड़ी अच्छी दी थी कि जिसमें एटलीस्ट हम जीरो पे तो ना हो, कम से कम कुछ तो हम आगे करेंगे कुछ एक्शन तो लेंगे कम से कम हम लोग आगे. जैसे एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट भी हम लोग होंगे. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. तो एक्शन लेते रहिए, अपनी स्पीड को बरकरार रखिए एंड डेफिनेटली आप भी यहाँ पे क्लाउड किचन फिनिशर्स में आ सकते हैं बहुत जल्दी. सो रोहित जी क्लाउड किचन फिनिशर्स तो शुरुआत करने पे हम लोग करते हैं, अगला स्टेप आपको पता है क्या है? राइट हॉल ऑफ फेम. जी सर 1 लाख रुपए रेवेन्यू पहुंचाइए जल्दी से, उसके स्क्रीनशॉट्स भेजिए. मुझे प्रूफ लगेगा बिना उसके मैं अलाउ नहीं करूंगा लेकिन एक बार वो होता है डेफिनेटली फिर हम इसके ब्रांडिंग और इसके फ्रेंचाइज पे भी वर्क कर पाएंगे. राइट राइट सर. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन मिस्टर रोहित एंड सी यू सून. थैंक यू सो मच इन आवर नेक्स्ट लाइव सेशन. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. ऑल राइट.